बस है। फुल टू जुगाड़ू अगर एक सीरियस फिल्म होती तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती और अगर ये एक्शन फिल्म होती तो भी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती और किसी अलग तरीके की फिल्म होती तो किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आ सकती थी, इसीलिए ये एक कॉमेडी फिल्म हाँ, मेरा बहुत बॉय नेक्स्ट डोर कैरेक्टर है, बॉम्बे का कैरेक्टर, बिल्कुल आपकी तरह जो बहुत जुगाड़ू होता है। आप जुगाड़ करके मीडिया में आ गए, अभी और तरक्की करेंगे धीरे धीरे। ऐसे ही मेरा बहुत जुगाड़ू कैरेक्टर है, कुछ भी करता है, 10,000 का जुगाड़ यूँ कर लेता है, दोस्तों से पैसे ऐंठ लेता है, किसी को कोई प्रॉब्लम होती है 2 मिनट में सॉल्व कर देता है। तो बहुत ही स्ट्रीट स्मार्ट बॉम्बे का कैरेक्टर, बॉम्बे की कहानी है। और उसके बाद ये जो जुगाड़ू कैरेक्टर है ये खुद एक प्रॉब्लम में फंस जाता है, जहाँ पर हमारी फिल्म की जो मेन कहानी है, जहाँ पर कुछ लोग हैं जो एक बंदे को ढूंढ रहे हैं जिसका नाम है माइकल। तो उसको लगता है, उन लोगों को लगता है कि ये माइकल है, और फिर वो कैसे कैसे प्रॉब्लम में फंसता है। बस बस और मत बताओ मैं पूरी कहानी बता देते हैं आजकल, वैसे भी थिएटर में बहुत कमी जाते हैं लोग। तो निहारिका है जो मेरे साथ हैं इस फिल्म में, मेरे ऑपोजिट हैं, हम एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, और ओपी नैयर साहब की ग्रैंड डॉटर हैं। तो हम दोनों ही फिल्मी क्या बोलते हैं परिवार से हैं और वेरी हैप्पी। आज सेकेंड डे बल्कि हमारा, हम साथ में काम कर रहे हैं, बट नज़दीकियाँ हमारी बहुत ज़्यादा आई। तो वी हैविंग अ लॉट ऑफ फन, इट्स अ नाइस। गर्मी में भीग गए हम लोग आज, भीग गए हैं। हाँ, बहुत गर्मी हो रही है, बहुत हालत ख़राब है। वो भी स्विमिंग पूल के पास हमारे डायरेक्टर साहब ने शॉट लगाया था, और इनकी टेकिंग बिल्कुल रोहित शेट्टी टाइप है, रूफटॉप। हाँ, ये सब कुछ बर्ड्स आई व्यू, गाड़ियाँ नहीं फोड़ते ये लोग, लेकिन ये कटिंग बहुत लेते हैं। तो एक छोटे से सीन में हमें शाम हो गई है। मैंने रोहित सर के साथ भी बोल बच्चन की थी, तो मुझे पता है कि वो एक एक सीन में बहुत शॉट लगाते हैं, एडिटर को बहुत माल देते हैं, तो ये बहुत माल देने वाले हैं एडिटर को। मैं मेरा कैरेक्टर का नाम है काव्या। इस काव्या के वजह से ये बेचारे विक्की इतना जुगाड़ करते हैं। पता नहीं काव्या किस खेती की मूली खा के पैदा हुई है कि इनको इतना जुगाड़ करना पड़ता है आजकल। ड्रेस में मूली लग रही है। आजकल की लड़कियां इतनी सिंपल और स्वीट होती हैं, लेकिन काव्या बहुत रईस फैमिली से है और 200 करोड़ की मालकिन है, और मुझे कुछ ऐसा फील होता है कि ये जुगाड़ ये 200 करोड़ के लिए, लड़की के लिए नहीं। मेरा ये सीधा साधा भोला कन्हैया। मेरे से बड़ा जुगाड़ू क्या हो सकता है। मैं अच्छा? मैंने कपिल का शो ले लिया और क्या कर सकता हूँ। अच्छा, कपिल के शो की बात करें तो काफी काफी अच्छी टीआरपी आ रही है, लोगों को पसंद आ रहा है शो। क्या नहीं, टीआरपी ड्रॉप हो गई है जी सर, थोड़ी सी ड्रॉप नहीं, काफी का बहुत ज्यादा ड्रॉप हो गई है। हाँ, तो अभी आई है टीआरपी, होता है कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है, कभी हमारे कॉमेडी नाइट्स की आ जाती है, कभी उनकी आ जाती है। अच्छा, बहुत अच्छा हेल्दी कंपटीशन है, और कपिल जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सब मिलजुल के एंटरटेन कर रहे हैं हम लोग इंडिया को, और क्या चाहिए। अच्छे शो बनाओ, हेल्दी कंपटीशन करो, इसी चक्कर में अच्छी लड़ाई होगी कंटेंट की, कि किसकी टीआरपी अच्छी आएगी, कौन अच्छा माल देगा टेलीविज़न पर। मैं इनकी बात नहीं कर रहा, मैं टेलीविज़न की बात कर रहा। तो तुम तो कॉमेडी बचाओ हो ना, तो तुम तो बचाने वाले हो। हाँ, वैसे हम तो वो तो एक ही शो कर रहे हैं, हम दो शो चला रहे हैं, कॉमेडी नाइट्स बचाओ और कॉमेडी नाइट्स लाइव, तो हमारे लिए ज़्यादा मुश्किल है, और सैटरडे संडे इतने बड़े चैनल पे प्राइम टाइम का शो करना वेरी डिफिकल्ट, बड़ा मुश्किल है। उसके बीच में फिर फिल्म की शूटिंग के लिए डेट निकालना, अरे डेट बड़ी मुश्किल से डेट मिलती है। सर बहुत अच्छे वाले देते हैं बिल्कुल गिन चुन के। अरे क्यों नहीं, मैं तो वे लोग तो बाकी जितने सब अमृतसर से आए हैं, मैं तो पैदाइशी खानदानी वो हूँ ना। हम होंगे कामयाब। अच्छा,
देखिए सोफा छोटा है इसका मतलब ये नहीं कि नज़दीकियाँ हैं, अभी और नज़दीकियाँ आएंगी या सोफा के मतलब उसके हिसाब से बस। नहीं आप चाहेंगे तो क्यों नहीं। देखिए केमिस्ट्री तो आपको अपने एक्टर के साथ बनानी ही पड़ती है, चाहे ना बनानी हो ना बनानी हो तो और लेकिन मेरे साथ इनको बनानी है। या मुझे मैं बनाऊंगी, ये हमारे कृष्णा कन्हैया है और देखते हैं मैं बंसुरी बजाऊंगी। अरे मैं कहाँ इतनी रईस हूँ, अरे फिल्मों कर करके शायद मैं रईस हो जाऊँ, लेकिन 200 करोड़ की मालकी नहीं है फिल्म में। हाँ यार 200 करोड़ फिल्म तो नहीं करने है यार, इनको 200 रुपए ही दिए गए। हाँ यार इतना मतलब इतना तो नज़दीक नहीं है, लेकिन हाँ हाँ मुझे महंगी महंगी चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो आई गेस उसमें काव्या और निहारिका के बीच में काफ़ी सिमिलैरिटीज हैं। मैंने एक फिल्म की है वॉरियर सावित्री, जो एक एक्शन फिल्म है, तो उसके मुकाबले में ये हाँ, तो बिल्कुल हमने एक्चुअली निहारिका को जब सिलेक्ट किया था तो इनके प्रोमोज देखे थे इनकी फिल्म के, एंड इट्स अ फैंटास्टिक फिल्म। उसमें ये टाइटल रोल प्ले कर रही हैं वॉरियर सावित्री का, इन्होंने फिल्म में एक्शन किया है, ये कुछ ब्लू बेल्ट ब्लैक बेल्ट भी हैं, बहुत कुछ एक्शन भी करती हैं, बहुत अच्छी एक्ट्रेस भी हैं, ये गाती भी हैं और मल्टी टैलेंटेड, बहुत सारी इनमें क्वालिटीज़ हैं, बहुत फोटोजेनिक हैं, स्माइल इनकी प्रीति जिंटा जैसी हैं, अरे आँखें इनकी प्रियंका चोपड़ा, तो बहुत कुछ है इनके अंदर जो धीरे धीरे अभी सामने आएगा। मुझे तो हम सब लोगों ने प्रोमोज देखे थे इनकी फिल्म के, अब सबसे अच्छी बात है कि बहुत अच्छी डांसर हैं। अभी हम लोग फिलहाल गानों में लगे हैं, क्योंकि बहुत अच्छा यू नो जो मेरे मामा स्टाइल का एक गाना है जो काफ़ी टाइम से गोविंदा जी ने दिया नहीं है, मसालेदार उस तरीके का हम कोई गाना अभी शूट करें जो हम लोग लंदन में शूट करेंगे जाके, तो अभी गाने हम फाइनल कर रहे हैं, तो वही सब चलो इश्क लड़ाई टाइप कुछ हम लोग करेंगे क्योंकि दोनों ही डांसर्स हैं। देखिए पता है क्या है कि जब भी कोई एक्टर होता है वो कभी भी एक जॉनर में नहीं फंसना चाहता है, बट द थिंग इज़ के बोलते हैं ना डोंट री इन्वेंट द व्हील। अगर मैं अभी कोई सीरियस कुछ बन के आ गया तो कोई देखने वाला नहीं है, ये तो पक्की बात है, उसके लिए टाइम लगेगा और एज इज़ बाय माई साइड, मुझे कोई जल्दी नहीं है, ऐसा नहीं कि अभी उम्र होती जा रही है यू नो कर करके ख़त्म कर दो अभी फटाफट, तो इसीलिए आई एम वेटिंग, धीरे धीरे करेंगे अगर मौका मिला तो। रिलीज़ डेट जो है वो किसी भी फिल्म की फाइनल नहीं की दी जा सकती, क्योंकि जब तक ये फिल्म कंप्लीट नहीं होगी, लेकिन कोशिश है कि विद इन स्पैन ऑफ 6-8 मंथ्स बिफोर दिसंबर हम लोग इसको ख़त्म करके, डेफिनेटली ख़त्म तो कर ही देंगे, प्रोड्यूसर साहब डेट्स मिल जाएं तो समझो फिल्म रेडी हो जाएगी। नहीं हो दो तीन महीने के अंदर बरस रेंज तक हम लोग फिल्म ख़त्म कर देंगे, फिर उसके बाद जब भी दिवाली या कभी कोई ऐसा इनको फ्री स्लॉट मिल जाए जहाँ पर शायद लोग देखने आ जाएं थिएटर में तो फिर ये लगाएंगे। कहाँ से लाते हो कन्हैया? पता नहीं कहाँ से आता है। कहाँ मुफ्त में बिकता है, हवा में हवा में बिकता होता तो फिर सबको मिल जाता है ना, हवा में नहीं आता ये। पकड़ने वाले भी ना तो होना चाहिए। हाँ कह सकते, क्यों नहीं कह सकते, अच्छी बात है। आई एम वेरी हैप्पी कि इतने बड़े शोज और इतनी बढ़िया फिल्म, एक अच्छा सब्जेक्ट, सबसे अच्छी बात आज की डेट में देखिए इंपॉर्टेंट है, जैसे प्यार का पंचनामा भी अभी आई थी, हम लोग नए नए लोगों भी आते हैं हमारे शो पे प्रमोशंस करने। अभी एक मराठी फिल्म अभी जो जिसने 40 करोड़ का बिजनेस किया है, उसमें कोई स्टार कास्ट ही नहीं है अगर आप देखें तो। आज इसका मतलब ये है कि अच्छा सब्जेक्ट और अच्छा कॉन्टेंट अगर आप दें, अगर इस फिल्म में लोग 2 घंटा आके हंसते हैं, अगर इन्जॉय करते हैं, तो फिर फिल्म को कोई नहीं रोक सकता। और अगर आप कंस्ट्रेंट बजट में एक अच्छी फिल्म बनाते हैं और अगर प्रोड्यूसर अगर 15 लगा के अगर 30 भी कमाता है तो मैं कहता हूँ कि आप सक्सेसफुल हैं। डेफिनेटली पूरी फैमिली से, सब लोगों से, दोस्तों से भी स्टोरी लाइन भी हम शेयर करते हैं आपस में कि इस तरीके की सब्जेक्ट, क्योंकि इतने टाइम से अभी एक डिकेड हो गया मुझे कॉमेडी सर्कस 2007 में मैंने शुरू किया था, तो इतनी सारी स्किट्स किए, इतनी सारी चीज़ें कर की,
कि अभी हमारी टीम इतनी स्ट्रांग हो गई कि हम टीम से शेयर कर लेते हैं, क्योंकि 10-15 लोग हैं, बड़े राइटर्स हैं, हमारे डायरेक्टर्स हैं. तो अभी कोई कॉमेडी लाइन सुनते हैं ना, तो अभी रेपिटेशन हमने बहुत कर दिया, वही चीज़ें. तो कुछ अलग सी स्टोरी लाइन आए ना, या सिचुएशनल कॉमेडी आए, तो समझ में आता है कि ये सब्जेक्ट ना अगर इस तरीके से बने तो क्लिक हो सकता है. अभी हर आदमी ट्राई ही करता है ना, श्योर शॉट तो पता नहीं, अभी तो रिलीज़ के बाद पता चलेगा, लेकिन अपनी तरफ से मेंटली श्योर शॉट होता है कि ये सब्जेक्ट जो है ये वर्क करेगा. तो वैसे ही हमें ये सब्जेक्ट लगता है कि ये सब्जेक्ट जो है वर्क करेगा. अशोक कोंडके की फिल्म है, तो उनका डबल मीनिंग का जो एक जॉनर है, जो उनके दादाजी, हाँ, दादा कोंडके साहब के, हमारे ये सभी लोग डायरेक्टर हैं, फैमिली वाले, सिर्फ गुलाम सर और वंदना जी जो प्रोड्यूसर्स हैं, वाइट फॉक्स वाले. तो उनकी पहली फिल्म है और बस चांद चांद लगा दो. सबसे अच्छी बात है प्रोड्यूसर, ऐसा नहीं कि प्रोड्यूसर की ऐसी फुकट में तारीफ करा. सबसे पहले प्रोड्यूसर को दाद देनी चाहिए, क्योंकि वो इंसान आगे खड़ा होकर पूरी टीम को जमा करके ही इज पुटिंग इन हिज हार्ड एंड मनी, और वो यही कोशिश है कि चलो यार हम एक अच्छी फिल्म बनाएं और लोगों के सामने प्रेजेंट करें. बिल्कुल करूँगा मैं, ज़रूर. और चक्कर क्या है कि अभी हमारे सबके अलग अलग शोज़ चल रहे हैं, अगर दोनों ही एक शो में आ गए तो फिर मेरे ख्याल से दूसरा शो फिर बनेगा कैसे, किसके साथ बनेगा. हाँ, टफ. आप आइए हमारे कॉमेडी नाइट के स्टेज के ऊपर आइए, तब पता चलेगा. जब आपके सामने शाहरुख खान बैठा होगा और आपको बोलेंगे आप 4 घंटा जो है अभी यहाँ पर परफॉर्म करो, तो वहाँ बहुत हालत ख़राब होती है, क्योंकि कट नहीं होता. हाँ, बीच में एकाध हो जाए, लेकिन आप एक एक लाइन थोड़ी कट कट करके बोलेंगे, वहाँ पर तो फ्लो में होता है, एक स्किट होता है. जैसे बचाव में आप देखते हैं, मैं आता हूँ, मेरा डांस भी करता हूँ, उससे स्टैंड अप भी करता हूँ, फिर सुदेश जी भी आते हैं, फिर अदा भी आती है, फिर हम शो भी होस्ट करता हूँ पूरा. इट्स वेरी डिफ़िकल्ट जॉब, बहुत डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन अभी कर करके हमें, हम लोगों को आदत हो गई है. हम कुछ आद लोग हैं, जैसे मनीष हो गया, पॉल, वो भी फिल्में करता है, टीवी भी करता है, कपिल हो गया, मैं हो गया, भारती हो गई, भारती भी IGTV का कई सारे शोज़ कर रही है वो. हाँ, हम लोग को तो आदत हो गई है, नए लोगों के लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी स्टेज के ऊपर. पहले तो लूज मोशन थोड़े लगे हुए थे हमारी हालत भी ख़राब थी कि अब क्या करेंगे, क्योंकि जब हमें आया तो चैनल का उसका कुछ बना नहीं, चला गया वो, और चैनल ने भी नहीं चाहता था कि वो, कलर्स भी नहीं चाहता था कि वो अभी वो शो कंटिन्यू करे. अब मेरे लिए अपॉर्चुनिटी भी थी और एक ऐसा डब्बा था जो ऑलरेडी सजा सजाया था, चल गया था, अभी चल चलाई गाड़ी में, बोलते ना जब बस रुके तो आराम से बैठे, आपने सीट पकड़ी फिर गए, ये तो 200 की स्पीड में भागती हुई बस में अब बोलते छलांग मारो, तो उसमें फिर ना आदमी को लगता भी बहुत है, तो हालत भी बहुत ख़राब रहती है. जैसे आप देखो, अगर ये ऑडियंस व्यू मैं आपको बता रहा हूँ कि बचाव जो है वो लोगों को ज़्यादा फनी लगता है और लाइव थोड़ा सा कम फनी लगता है, ये मैं खुद कह रहा हूँ मैं, क्योंकि वो धीरे धीरे पकड़ आई शुरू में लोग कह रहे थे कि ठीक ठाक है, कुछ खास नहीं है, ठीक है, देखते हैं, लेकिन अभी पकड़ में आया है और हमारी TRP भी बहुत अच्छी आ रही है, लोग पसंद भी कर रहे हैं, क्योंकि वो बचाव से बहुत अलग, बचाव एक रोस्ट फॉर्मेट है, जो सामने आता है हम उसकी वाट लगा देते हैं, यहाँ जो आता है हम उसको प्यार से एक बच्चों की तरह हैंडल करके पूरा शो संभालते हैं, तो दोनों में डिफरेंस बहुत है, इसीलिए हम कहीं ना कहीं बचे हुए. थैंक यू. Rainbow Festival.